MI 11X फाइनली लॉन्च हो गया है, और इस फोन का प्राइस हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई ये फोन का प्राइस 25,000 रुपए के नीचे हो, बट शाओमी ने यहाँ पे थोड़ा सा हमें भाई शॉक दे दिया है। फोन का जो प्राइस है वो है 29,999 रुपीज। बस इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखिएगा, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑफर्स के बारे में, इसके बारे में, क्योंकि भाई फोन का प्राइस नहीं हो सका मगर ऑफर्स तो आपको मिल जाएंगे कि आपको फोन सस्ता मिल जाए। हाँ, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि 26,500 रुपये में ये फोन आपको कैसे मिल सकता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपने नहीं किया है। तो यहाँ पे जो शाओमी का MI 11 जिसमें बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे 26,500 रुपये में आपको देखने मिले वाला है। तो आई थिंक देखिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है और ऑफर्स है वो मैं आगे बात करूंगा उससे पहले, बट पहले उससे पहले मैं बता दूँ यार, देखिए ये ओवर प्राइस फोन नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लाइक बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना भाई, कि जब हम जिस प्राइस में एक्सपेक्ट करते हैं कि फोन आए, मैंने भी एक्सपेक्ट किया था कि 25,000 रुपये में होगा, मेरे को पता था, मुझे लग ही रहा था कि फोन आगे होगा। क्योंकि भाई यहाँ पे जो MI की ब्रांडिंग के साथ फोन आते हैं, आप मेरे पुरानी वीडियो जाके देखना, मैंने कहा था जो भी MI के फोन के ब्रांडिंग के साथ, मतलब MI के नाम के ब्रांडिंग के साथ फोन आते हैं वो एग्रेसिव नहीं होते हैं, वो थोड़ा प्राइस ऊपर ओवर होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये फोन ओवर होना ही था, तो हो गया। चलिए बात करने से मैं बोल रहा था कि भाई यहाँ पे MI 11X का जो प्राइस है ओवर नहीं है। आई थिंक 30,000 रुपये में आपको स्नैपड्रैगन 870 का 66 MHz वाला फोन दिखा दीजिए। नहीं क्यों, क्योंकि आज यहाँ पे शाओमी ने अच्छा काम किया, मुझे लगता है पर्सनली हमें इस फोन को ओवर प्राइस नहीं कहना चाहिए और ऑफर्स में मिलके इस फोन को हमें ले लेना चाहिए, और अच्छा फोन है मेरे, मैं यही कहना चाहूंगा इस फोन के रिगार्डिंग। और आगे चलिए बात करें तो ऑफर्स के बारे में, देन बाद में आगे बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों। तो MI 11X जो है यहाँ पे आप लोगों को जो है वो 30,000 रुपये, मतलब 29,999 रुपीज़ में मिलता है, 8 GB RAM और 128 GB। बहुत सारे लोग बोल रहे थे 6 GB RAM वाला भी ले आते तो 1,000 वाला कम मिल जाता, बट अच्छा रहता, बट नहीं लाए शाओमी, तो भाई शाओमी की मर्जी है, वो हम क्या बोल सकते हैं उसमें। तो हाँ, 8 GB RAM 128 GB वाली बात करता हूँ, 32,000 वाला तो हम अभी बात नहीं करते, बेसमेंट की बात करते हैं। तो 8 GB RAM और 128 GB वाला जो वेरियंट है 29,999 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको SGFC में 24 मतलब ये आज ही की रात से 12 बजे से आपको प्री ऑर्डर्स में जाने लगा है, चले जाएगा। तो आप अगर प्री ऑर्डर करते हो और आपके पास SGFC का कार्ड है तो आप देखेंगे तो वहाँ पे तो लोगों ने ये मेंशन किया है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, जब आप एक पोस्टर देखेंगे तो, और फिर जब अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड दिखा रहा है। तो अब ये कन्फ्यूज़न है यार, पता नहीं इस कन्फ्यूज़न को क्या होता है, फिर आगे जाके ये कन्फ्यूज़न जो सॉल्व हो पाएगी। तो हाँ, अभी तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों में ऑफर है जैसे पोस्टर के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो 3,500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड EMI से लेते हैं तो। हाँ, तो 26,500 रुपये में आपको ये फ़ोन पड़ जाएगा अगर आप EMI में लेते हो क्रेडिट कार्ड के, SGFC के कार्ड से। और अगर आप जो है वो ऑन पेमेंट ले लेते हो, मतलब भाई फुल पेमेंट करके लेते हो, तो 2,500 रुपये का डिस्काउंट, मतलब आपको 2,500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा क्रेडिट कार्ड से। और डेबिट कार्ड से आप लेते हो तो यहाँ पे आपको 1,500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि 2,500 का मिलेगा नहीं, क्योंकि जो डेबिट कार्ड का प्रोसेस है भाई, डेबिट कार्ड वहाँ पे तो दिखा नहीं रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये एक बड़ा कन्फ्यूजन है जो भाई शाओमी सॉल्व करना चाहिए उसे। तो हाँ, अच्छी बात है, 3,500 अगर आप EMI में लेना चाहो तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ EMI में ले लो भाई, 3,500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। वैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आई डोंट थिंक कि इंटरेस्ट लगेगा ज़्यादा कुछ, देख लेना, इंटरेस्ट होगा तो देख लेना, बट हाँ 3,500 रुपये में आई थिंक कट करके आप 26,500 रुपये इस फोन का प्राइस मुझसे पूछते हो कि लेना चाहिए नहीं, डेफिनेटली मैं कहूँगा बेस्ट डील है, इससे बढ़िया डील मुझे नहीं लगता मेरे को मिलेगी। और एक और बहुत ज़्यादा बढ़िया बंडल पैक इसके साथ आपको मिला हुआ है, वो है मी बैंड जो है, आप देखते हैं मी बैंड जो नया आया है उसमें वो जो आपको 2,500 रुपये मिलता है, मगर यहाँ अगर आप इस फोन के साथ लेते हो तो सिर्फ 500 रुपये में आपको मिलेगा। मतलब अगर आप 26,500 रुपये में फ़ोन ले रहे हो और 500 रुपये में वो भी ले लो तो भाई 27,000 रुपये में दोनों चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी, जो आई थिंक ये भी एक बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। तो पर्सनली यार ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये MI 11X की प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़िया कर दे रही हैं, और आई थिंक 26,500 रुपये में आप बोलते हैं तो बहुत वन ऑफ दी बेस्ट फोन, मैं होता तो ले लेता, बट मैंने फ़ोन अभी लिया है, मतलब जनवरी में ही लिया है तो इसलिए मैं अभी नहीं ले सकता, बट हाँ आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बढ़िया फ़ोन है, मुझे तो अच्छा लगा यहाँ पे फ़ोन। कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को इस फ़ोन के बारे में आपकी क्या राय है और क्या आप लेने वाले हो इस फ़ोन को कि नहीं। और MI 11X Pro भी लॉन्च हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, बट हाँ मुझे लगा ऑफर्स यहाँ अच्छे लगे इसलिए मैंने सोचा आपके साथ यहाँ पे डिटेल करके आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देना चाहिए वीडियो, क्या लगता है आपको। हाँ, और यहाँ पे फ़ोन की जो हमने प्राइस एक्सपेक्ट की थी वो था हमने ऐसी 27,000-28,000 एक्सपेक्ट की थी, बट यार यहाँ पे जो है वो MI थोड़ा और ऊपर चले गए। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप ये ऑफर जो वीडियो आप लोगों को पसंद आई कि नहीं, हेल्पफुल लगी कि नहीं, कमेंट करके बता देना यार। और बस इस फोन बस इतना ही रखता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करके जाना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।